ऐ मेरे वतन तेज कदम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें कदम हो। ऐसी थी कि इस वार्ड से आना बहुत ही मुश्किल था, बरसातें हुई थी, रोड पानियों से भरा हुआ था, तो हमने अपनी कयादत से अपील की कि बराए मेहरबानी अगर हम इस तरह से इलेक्शन लड़ते रहे, कैंपेन करते रहे, तो लोगों की, वहाँ की पब्लिक की शिकायतें हैं कि हमारे रोड कच्चे हैं, सेवरेज नहीं है, यहाँ कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है, ग्राउंड की अप्रोल है मगर काम नहीं हुआ। तो मैंने ये तमाम बातें जो पब्लिक की डिमांड थी वो अपने सदर सईद अली साहब के सामने रखी। मैंने कहा सईद भाई, यहाँ पर कम से कम जो चीज़ें अप्रूवल है हमारी वो तो हमें दे दो। मेरे भाइयों, ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये एक स्पोर्ट्स कंप्लेक्स है जो ताज साहब ने जब इलेक्शन लड़े थे, यहाँ से इकबाल खान साहब लड़े थे, ये काउंसिल के मेंबर हुए थे, तो इनको जब काम दिए गए थे उन कामों में इन लोगों ने यह रखवाए। मैं समझता हूँ ये एक इब्तदा है हमारी, जिसका इब्तदा हुआ है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे एक मेरा मेगा प्रोजेक्ट भी चल रहा है हमारा सचिन रोड वाला, एक बेहतरीन प्रोजेक्ट जिसका जब ये बन के खड़ा होगा तो सचिन एक मॉडल विलेज की तरह नजर आएगा।